नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। दोस्तों, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास हो गया, अब इसका तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके निर्माण कार्य शुरू होने से पहले जो निर्माता कंपनी है ज्यूरिक की, वह इसका डेवलपमेंट प्लान नियाल को सौंपेगी। एक सप्ताह में यह प्लान नियाल को सौंप दिया जाएगा। कहां कहां, कब, कौन कौन सा काम पूरा होगा, इसकी पूरी रिपोर्ट डेवलपमेंट प्लान में होगी। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास समय पर हो गया और इसकी उड़ान 2024 में शुरू होगी। 2024 में उड़ान शुरू हो जाए तो भी इससे लाभ मिलेगा केंद्र, यूपी और तीनों प्राधिकरणों को। लेकिन यदि 2024 में इस एयरपोर्ट से उड़ान शुरू भी नहीं होती है तो भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना विकास प्राधिकरण तीनों को अच्छा लाभ मिलेगा, खासा लाभ मिलेगा। 10 लाख रुपए प्रतिदिन की आमदनी होगी तीनों प्राधिकरणों की। किस तरह से होगी? एयरपोर्ट का समय से निर्माण नहीं होने पर तीनों प्राधिकरणों को 10 लाख रुपए की आमदनी, और कैसे कैसे लगाया जाएगा निर्माता कंपनी पर जुर्माना समय पर काम पूरा नहीं होने पर। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास के बाद अब इसके निर्माण कार्य में तेजी आएगी। एयरपोर्ट की निर्माण योजना एक सप्ताह में विकासकर्ता कंपनी तैयार करके देगी, उसके बाद तेज गति से जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य शुरू होगा। एयरपोर्ट की विकासकर्ता कंपनी एक सप्ताह के भीतर नियाल को अपना डेवलपमेंट प्लान सौंप देगी। इस योजना में बताया जाएगा कि कौन कौन से काम किए जाने हैं, ये काम कब पूरे होंगे, यह भी बताया जाएगा इस प्लान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से 2024 में उड़ान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन यदि समय पर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो तब भी सरकार और तीनों प्राधिकरणों को खासा लाभ होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण ज्यूरिक की कंपनी कर रही है। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी ने एयरपोर्ट का निर्माण करने के लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL कंपनी का गठन किया है। यह कंपनी ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण और विकास कार्य करेगी। उधर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड नियाल, जिसमें दखल है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार की, यह जेवर एयरपोर्ट का संचालन का काम देखेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तीनों प्राधिकरणों और उत्तर प्रदेश सरकार की भागीदारी है। 30 सितंबर 2021 को ज्यूरिक कंपनी के साथ नियाल का कंसेशन एग्रीमेंट हुआ था। 29 सितंबर 2024 तक कंसेशन एग्रीमेंट का टाइम यानी 1095 दिन पूरे हो रहे हैं। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड चाहती है कि 1095 दिन पूरा होने से पहले ही यानी सितंबर 2024 में जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू हो जाए। 29 सितंबर 2024 तक यदि जेवर एयरपोर्ट से उड़ान शुरू नहीं होती है तो निर्माता कंपनी को 10 लाख रुपए प्रतिदिन जुर्माना देना पड़ेगा नियाल को। ज्यूरिक के साथ नियाल के हुए अनुबंध के मुताबिक ज्यूरिक की कंपनी को 1 अरब सुरक्षा राशि जमा करानी पड़ी है जेवर एयरपोर्ट के निर्माण के लिए। इसकी 0.1% राशि प्रतिदिन के हिसाब से यदि काम समय पर पूरा नहीं होता है तो ज्यूरिक कंपनी को जुर्माना देना पड़ेगा, और ये 0.1% राशि 10 लाख रुपये प्रतिदिन बैठती है यदि समय पर कंपनी काम पूरा नहीं करती है। जेवर एयरपोर्ट से निर्धारित तिथि में उड़ान शुरू नहीं होती है तब भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण सहित उत्तर प्रदेश सरकार को प्रतिदिन 10 लाख रुपए की आमदनी होगी। जेवर एयरपोर्ट साइट पर कहां कहां, कब कब, क्या क्या निर्माण कार्य पूरा होगा, एक सप्ताह में इसकी रिपोर्ट आएगी। जैसे भी काम शुरू होगा साइट पर लगातार हम आपको पहले की तरह अपडेट दिखाते रहेंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, आप देख रहे थे जागो हिंदुस्तान। नमस्कार।